हेलो नमस्कार प्रणिपाद, दिस इज सिकास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग सिक्कू व्लॉग्स। तो आज का डेट है 23 अप्रैल। तो आज ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ गांव, मैं और मेरी मम्मी। अभी मेरा टाइम अगर बताओ तो अभी हो रहा है 10:42 और 10:42 को अभी हम लोग अभी बस रेडी हो रही है, मम्मी रेडी हो रही है। तो उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से, कैब बुक करूँगा, फिर हम लोग जाऊँगा। तो ये ब्लॉग मेरा जो होगा वो ओवरनाइट ट्रेन का होगा ब्लॉग। एक्चुअली मैं कैसे ट्रैवल करने वाला हूँ, मैं यूपी जा रहा हूँ, गोरखपुर जा रहा हूँ, अपने गांव जा रहा हूँ। तो वहाँ का ब्लॉग है ये। पहले ये आज का दिन तो मेरा पूरा ट्रैवलिंग में जाएगा, पूरा रात पूरा ट्रैवलिंग में जाने वाला है, और शायद कल का भी दिन पूरा हमारा ट्रैवलिंग में ही रहेगा, ट्रेन में ही रहेगा। तो बस आप लोग देखते रहोगे, ये पूरा ब्लॉग देखो और बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ट्रेन में हमेशा मज़ा आता है। और मेरे जितने भी ट्रेन के वीडियो है सब पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ गए, इसमें भी बहुत मज़ा आएगा क्योंकि बहुत एक्साइटिंग होता है, मज़ा आता है। तब तक देखते रहो आप लोग, पूरा पूरा ब्लॉग देखना, मज़ा आने वाला है। अभी मैं, मम्मी और मेरे साथ आए हैं नवीन भाई हमको ड्रॉप करने के लिए। तो स्टेशन पे आ गए और हमारा जो कोच है वो सबसे पीछे है, मतलब इंजन से देखा जाए तो सबसे आगे बट प्लेटफॉर्म से सबसे पीछे। तो अभी ट्रेन आएगा बट अभी टाइम है ट्रेन को। तो अगर आप लोगों को दिख रहा रहेगा तो नवीन भाई और मम्मी वहाँ पर बैठी है। ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 7, यहीं पर आएगा B2 कोच और हमारा इधर ही पे आएगा बीच में यहीं पर। तो वेट करते, अभी थोड़ा इंतज़ार करते और देखते क्या है। ट्रेन के अंदर घुसने के बाद अब ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा अंदर। अभी थोड़ा बहुत गर्म हो रहा है तो थोड़ा रेस्ट करता हूँ, वहाँ बैठता हूँ, क्योंकि बहुत लगेज भी उठा के लाया। तो वेट कर, आगे ट्रेन के अंदर मैं और मम्मी यहाँ बैठ गए। तो ये वाला सीट है और ऊपर वाला सीट ये वाला, ये दोनों सीट हमारा है। और जर्नी स्टार्ट हो चुकी है लेकिन बहुत लेट हो गया, ट्रेन 15-20 मिनट लेट था, थाना स्टेशन 20 मिनट लेट आया। और जर्नी स्टार्ट हो गया लेकिन नींद भी आ रहा है, अभी सोते हैं थोड़ा टाइम, रेस्ट करते हैं। फिर अभी जो बात होगा वो सुबह मॉर्निंग में ही होगा, अभी जो भी करेंगे मॉर्निंग में होगा। तो गुड मॉर्निंग, और अभी हो गया है टाइम 8:09 एंड फ्रेश हो गया अभी सब। मम्मी भी चाय पी रही है, अगर आपको दिख रहा रहेगा तो चाय, हम लोग भी चाय पीते और जर्नी का मज़ा लेते। थोड़ा अच्छा है, रात भर थोड़ा ठंडा लगा, एसी चल रहा था थोड़ा। तो चलते हैं, देखते मज़ा लेते और देखते अभी क्या होगा, कैसा है, कैसा जाएगा जर्नी, कैसे चलता है, एंजॉय करते। तो अभी आ गए हैं खंडवा स्टेशन, MP में एंटर कर चुके हैं हम लोग और यहीं पर स्टॉप है। हम लोग एक्चुअली बहुत पीछे ही डब्बे में, अगर आप लोग देखोगे तो वो रहा एंड और हमारा ये कोच है B1 कोच में हम लोग हैं। तो ये बहुत पीछे है तो यहाँ पर कुछ मिलता नहीं जल्दी। खंडवा में आए हैं, खंडवा स्टेशन अगर देख रहे हो तो, MP में एंटर कर चुके हैं अभी। देखते क्या है, अभी तक का तो सफ़र बहुत अच्छा है बट जैसे ट्रैवल करते समय होते ना बहुत थकान हो जाता है, तो मम्मी थोड़ी थक गई है, आराम कर रही है, सो रही है। हम लोग आ गए इटारसी जंक्शन पे, इटारसी जंक्शन मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन पे। यहाँ पर इटारसी जंक्शन पे आ गए तो हम अभी 1 बज रहा है, 1:15 ऐसा हो रहा है। बहुत बाहर बहुत गर्मी है और अंदर कोच के अंदर बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा है। तो ऐसा है कि अभी मतलब कोई अकेला हूँ मैं और मम्मी है, तो फिर ऐसा बहुत बोर भी हो रहा है, मुझे बहुत पक रहा है। अगर लास्ट टाइम कैसा मेरे साथ राहुल और धीरज एंड नवीन भाई ऐसा से सब लोग थे साथ में, तो फिर कैसा बोर नहीं होता, पकता नहीं है और बहुत मज़ा भी आता है साथ में सब दोस्त लोग के साथ। अभी मम्मी है तो क्या, मम्मी सोई है, उनका थोड़ा तबियत ठीक नहीं है, तो फिर मैं उनको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा, कुछ बोल नहीं रहा, मैं हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी जो है जैसा है अभी करते हैं, तो थोड़ा देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं इटारसी जंक्शन पर। यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है ट्रेन का और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, करते हैं अभी देखते। लंच का टाइम हो गया है, भूख लगा है मेरे को, तो मैं खाना खाता हूँ थोड़ा सा। अगर टाइम देखे तो हो रहा है 1:35, अभी थोड़ा खाना खाया जाए। और खाना खा के मैं बताता हूँ एक चीज़ हमारे ट्रेन में क्या हुआ है, वो आप लोगों को जानना चाहिए, तो पहले खा लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सीन हुआ था, तो वो सीन ये है कि एक्चुअली जो हमारा ट्रेन है इसमें चोरी हुई है और A1 कोच में चोरी हुआ है। वहाँ पर एक लेडी का मंगलसूत्र और 13,000 रुपये का चोरी हुआ
तो ये तो हम लोग को पुलिस वाले ने बताया, बट जब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आपको कैमरे में बोलो तो उन्होंने बोलने से मना कर दिया, बोले कि हमारे को अलाउड नहीं है। तो ये न्यूज़ था कि ट्रेन में हुआ है, तो हम लोग का बातचीत भी हुआ, जिसका जिससे चोरी हुआ था उनके उसके भाई भी थे, उनके भाई भी थे साथ में हमारे, तो उन्होंने बताया ये सब हुआ, पुलिस वाले लोग ने एक्शन लिया है अब, लेकिन अभी तक पता नहीं उनका क्या होगा। अभी तो शायद जो चोर रहेगा वो उतर भी गया रहेगा, पता नहीं क्या होगा उनका। तो FIR वगैरह वाले लिखे हैं मतलब लिख लिया है, अब उस पर एक्शन लेंगे अभी। लेकिन अब मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ होगा तो नहीं अभी यहाँ पर, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि ट्रेन में अगर कुछ करते हैं, ट्रेन में चोरी होता है तो फिर उसका कुछ गारंटी नहीं है। अब कितना स्टॉप आ चुका है बीच में, बहुत सारे स्टॉप भी आ चुके हैं, उस हिसाब से भी क्या ही कर सकते। तो इसके लिए आप लोग अगर जब भी ट्रैवल कर रहे होगे तो अपने साथ इतना कैश वगैरह मत कैरी कीजिए, कोई भी ऑर्नामेंट अगर गोल्ड ऑर्नामेंट है तो भी सेफली रखो यार। उन्होंने शायद से अपने जो पर्स में ही रखा था, और वो पर्स भी बाहर रख के चली गई थी अपने बच्चे को लेके वॉशरूम, और उस सीट पे भी कोई नहीं था, तो इसकी वजह से शायद से चोर को मिल गया मौका और मार लिया, पूरा साफ कर लिया, हाथ साफ कर लिया, पूरा पर्स गायब हो गया उनका, उसमें इतना सब सामान रखा था उनका। तो अभी क्या होगा अभी देखते हैं। आप लोग ऐसा जब भी करोगे तो थोड़ा सेफ्टी बरतो अपने साथ, और कुछ भी अगर रहे तो अभी तो ऐसा है कि कहीं पर हर स्टेशन पे ATM अवेलेबल है, तो आप वहाँ से या तो ऑनलाइन पेमेंट करो, कैश जितना कम हो सके उतना रखो, कैश कम ही करो क्योंकि डिजिटल हो रहा है इंडिया, सब भी डिजिटल। अभी निकल चुका है हम लोग का ऑलमोस्ट अगर बोलो तो आधे से ज़्यादा ट्रैवलिंग हो चुका है, 15 घंटे के ऊपर हो गया ट्रैवलिंग करते हुए, 15 घंटे से ज़्यादा हो गया, कि हम लोग ने 1 बजे ये ट्रेन के अंदर बोर्ड किया था, ऑन बोर्ड हुए थे, और अब 3:30 बज रहे, तो हो गया ऑलमोस्ट 15 घंटे के ऊपर हो गया, तो और 15 घंटा बाकी है जर्नी के लिए, क्योंकि जो गोरखपुर है जहाँ पर मैं जा रहा हूँ वो 7 बजे आएगा कल सुबह, तो उसके लिए 15 घंटा और वेट करना पड़ेगा। लेकिन देखते ऐसे ही चल रहा है, कट जाएगा टाइम हमारा आप लोगों के साथ बात करते हुए, चलेगा आप लोग हो तो फिर मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। जेंटलमैन, अब हम लोग आ गए हैं हमारे भोपाल जंक्शन में, क्योंकि आप प्रॉपर बोल सकते हैं कि आप हम लोग मिडवे पे आ गए, पूरा एकदम गोरखपुर जाने के लिए बीच का रास्ता यही देख सकते हैं आप लोग, भोपाल जंक्शन। यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है, 5 मिनट रुकेगा। आजकल ऐसा हो गया है कि जो भी ट्रेन से बड़े बड़े स्टॉप पे भी सिर्फ जिनके पास या 2 मिनट 3 मिनट इतना ही रुक रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 20-20 मिनट आधे घंटे तक रुकती थी, बट ये अच्छा है। बट अब ऐसा है कि यहाँ पर बड़े बड़े स्टॉप पे ज़्यादा टाइम नहीं रुक के छोटे छोटे स्टॉप पे भी हम लोग ने स्टॉप डाल दिया है हर जगह पे, अभी हर स्टॉप पे रुक रहा है, क्योंकि वो अच्छा नहीं है। तो अब हम लोग आ चुके हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई के शहर यानी कि झांसी में हमारा स्टेशन, ट्रेन ने हमारा हॉल्ट लिया है, ये देख सकते हैं आप लोग, झांसी का स्टेशन है यहाँ पर, पूरा झांसी है ये। अभी यहाँ पर झांसी को भी बहुत, यहाँ का भी ये झांसी स्टेशन भी बहुत डेवलप्ड है, बहुत सही है, पूरा साफ सुथरा है। और आप लोगों को पता ही होगा झांसी की रानी के बारे में, नहीं पता है तो जाके पढ़ो देखो, ये कानपुर में, और कानपुर आए और यहाँ की बोली ना बोले तो क्या बोले। यहाँ पर एक्चुअली ऐसा है कि ये अभी तो हम लोग को मैं बताऊँ कि यहाँ पर टाइम हो रहा है 12:09, रात के 12:09 हो रहा है, और हम लोग आ गए कानपुर में। तो यहाँ पर कानपुर का स्पेशलिटी ये है कि यहाँ की जो बोली है, भाषा है, बोलते हैं जिस तरह, वो बहुत एकदम चौचक होती है, एकदम मस्त। तो अगर आपको भी कुछ बोल के बताऊँ यहाँ की भाषा है, तो उसमें कैसा होता है कि अगर सपोज करो किसी को बोलना है तो ये क्या बोलते हैं कि ये लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि अमा, किसी को बोलना है अरे ऐसे बोलते ना, तो लोग बोलते अमा ऐसा करके लोग प्रोनाउंस करते हैं, तो बहुत सही लगता है, बहुत मीठा लगता है, स्पीड है। ठीक है ट्रेन चालू हो गया मेरा, मैं निकलता हूँ। 7 बज चुके हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं, और हम लोग पहुँचने वाले हैं, एक स्टॉप और है उसके बाद लास्ट स्टॉप हमारा स्टॉप 7 बजे आने वाला था, बट ये ट्रेन 1.5 घंटे लेट है, इसकी वजह से 8:30 बजे पहुँचेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया हम लोग को, सबको, सभी जितने भी यहाँ पर गोरखपुर जा रहे हैं उनको सबको लेट हो गया। एक्चुअली में हमारा स्टॉप का टाइम था 7 बजे का, 7:05 का, बट
डेढ़ घंटा लेट होने की वजह से ट्रेन हमको छोड़ने वाला है 8:30 बजे, फिर वहाँ से और ट्रैवल करना है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे ना तो सुबह 7 बजे ही मुंबई के जैसा हो गया है, मतलब मुंबई में अगर 10 बज रहा रहेगा तो यहाँ पर 7 बज रहा है, तो इतना ज़्यादा धूप निकल चुका है। और यहाँ पर ऐसा है कि मैंने जब मैं सुबह 5 बजे उठा तो देखा कि सुबह 5 बजे सूर्यदेव निकल चुके हैं, सनराइज हो चुका था। तो ये यहाँ का एक ये है कि यहाँ पर जल्दी सुबह हो जाता है, गांव में हमारे बहुत जल्दी सुबह हो जाता है। हावड़ा स्टेशन जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी गोरखपुर स्टेशन आ गया है, अभी बस अब हम लोग उतरने वाले। और कितने बज रहे हैं? 8 बज रहा रहेगा ना, 8 बज रहा, और हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है। और हमारे साथ थे हमारे पैसेंजर्स, हमारे साथ ट्रैवल किया इन लोगों ने। ये बच्चे ने बहुत परेशान किया है, रात भर बहुत रोए, बहुत रोते हैं, अपनी मम्मी को बहुत परेशान करते हैं। तो आज के लिए ये वीडियो इधर ही तक रहेगा, ये ब्लॉग देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और नेक्स्ट ब्लॉग भी आएगा, इसके बाद का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा, इसके बाद अभी जब तक मैं हूँ यहाँ से तब तक ब्लॉग आते रहेंगे। और अगर आप लोग ने यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना सिक्कू ब्लॉग्स को। तब तक के लिए बाय बाय।